बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी ये आज थोड़ा सा व्लॉग जो है शबे बरात का व्लॉग है, ये थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ मैं। तकरीबन एक हफ़्ता बाद ही अपलोड कर रही हूँ मैं। तैयार तो हुआ हुआ था ये व्लॉग, लेकिन जो है ना मतलब एडिटिंग नहीं हुई हुई थी। और अभी मेरी तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं चल रही है, बुखार फीवर वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा था, तो जिसकी वजह से ना मतलब मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर है काफ़ी। तो बस मैंने सोचा ये व्लॉग मैं जल्द से जल्द आप लोग के साथ अपलोड कर दूँ, वरना आप लोग बोलेंगे पुराना व्लॉग अपलोड कर दिया। तो बस जल्दी से जो है ना नाश्ता करने के फौरन बाद जो है ना मैं यहाँ पे कपड़े सीने बैठ गई थी बच्चों के। कल जो मैं लेकर आई थी ना ये वाला एक बड़ा पीस ले लिया था मैंने, शर्ट पीस होता है ना बड़ा, मेरे नाप का मैंने वो ले लिया था ताकि दोनों बच्चियों की आराम से सूट बन जाए, क्योंकि अभी आज शबे बारात है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो है ना दोनों नए कपड़े पहने, और जो है ना हम भी बचपन में अपने नए कपड़े पहने ही पहना करते थे। तो बस मैंने सोचा कि मैं दोनों के ही स्टिच कर देती हूँ। हालांकि मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास डिज़ाइनिंग वगैरह तो नहीं आती है, लेकिन मतलब जैसा भी आता है सिंपल सी लेती हूँ सूट, और बेले शेले लगानी हो तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सूट कैसा लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये चुनरी प्रिंट है जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, और उसके बाद जो है ना ये लेस मैंने वाली लगाई है। ये 40 रुपए गज मुझे लेस मिली थी, तो ये हमारे करीबी में बाजार लगता है तो वहां से बहुत अच्छे प्रिंट मिल जाते हैं। प्रिंट इसके कलर बहुत अच्छे थे, और भी इसके कलर थे लेकिन मुझे ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने यही वाला कलर ले लिया बच्चियों के लिए। अच्छा, ये वाली लेस जो है ना मैंने इनके दामन पर लगाई है, उसी वास्तीनों पर लगाई है, क्योंकि ज्यादा हैवी डिजाइनिंग ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये मैंने दोनों बच्चियों की ना कुर्ती ही स्टिच करूंगी मैं, बल्कि मैंने कर ली है स्टिच। तो सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद पहला काम मेरा यही था कि मैं बच्चों के कपड़े सी लूँ, क्योंकि फिर शाम में इन्हें लाजमी शाम में इन्हें पहनना था। तो मैंने आयरन वगैरह करके रख दिए थे, और फिर मैं आ गई थी जी किचन में, सारी सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी रूम की। और आज बहुत लेट हो गया था सफाई, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी सफाई, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े सीने लग गई थी ना इसलिए। तो तबीयत भी कुछ आज ठीक नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रहा था कि हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, लेकिन बस सीना था बच्चों के लिए लाजमी, तो इसलिए बस मैंने जो है ना हिम्मत कर ली थोड़ी सी, क्योंकि ये काम करना भी ना बहुत ज़रूरी होता है, और हर लड़की को ये कपड़े सीना आना चाहिए। शादी के एक साल तक बेशक वास्ता ना पड़े आपका सिलाई से, लेकिन उसके बाद आपका ज़रूर वास्ता पड़ता हैगा। तो जितनी भी जो है ना अनमेरिड लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और जितनी भी मदर्स हैं मेरी, तो उन सबको मैं यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को सिलाई ज़रूर सिखाएँ, ये बहुत काम आती है। और आजकल आपको पता है कितने महंगाई का टाइम है, तो यही आप घर में रहते हुए अपने बजट में रहते हुए अपने घर को किस तरह से चला सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है एक सिलाई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ना बहुत ज़्यादा, आप एक सूट भी सिलवाएंगे कम से कम सादा सूट भी तो आपके 600-700 जो है ना एक सूट की सिलाई चली जाती है। तो इतना तो आप इंसान को आना चाहिए कि वो मतलब अपने घर का मतलब ये है कि अपना सूट सी सके, अपने बच्चों के कपड़े स्टिच कर सके। हाँ, अगर थोड़े से हैवी सूट होते हैं तो जाहिर सी बात है वो तो मैं नहीं स्टिच कर पाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने भी सूट ना मैं रेडीमेड ही लूँ, क्योंकि मुझे रेडीमेड पहनना अच्छा लगता है, और मैं शुरू से पहनती हूँ तो मुझे आदत हैगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रेडीमेड पहनना। तो यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी लाजमी सिलाई सीखें, बेशक थोड़ी बहुत सीखें, सादा सूट सीना सीखें, लेकिन यह है कि ना इंसान को इतना आना ज़रूर चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपनी बच्चियों को आज सीखे पहनाया है, तो अगर मैं ये कपड़े सिलवाती ना तो ये 500 रुपये इनकी सिलाई चली जाती। तो बस यहाँ पर नभिया की शर्ट बनी थी, वाइट पैजामा इनका रखा हुआ था, वाइट दुपट्टा भी रखा हुआ था, तो बस यहाँ पर इनकी फुल कम्प्लीट शर्ट बन गई थी। और यहाँ तंग नहीं कर बता रही कुमकुम निन्नी, मैंने ये कि चूड़ियाँ कौन लाया, किसने पहनाई चूड़ियाँ मनिया को, चूड़ियाँ किसने पहनाई? निन्नी आ रही है, मनिया अपना सूट दिखाओ, मनिया अपना सूट दिखाओ। वाह भाई वाह, इतना प्यारा सूट किसने सिया? मनिया आपका सूट किसने सिया? और मनिया का माशाल्लाह पूरा सूट बन गया था। पहले तो ये दिखा नहीं रही, वीडियो नहीं बनवा रही थी, क्योंकि सुबह की उठी हुई नींद भी नहीं आ रही मुझे। आज इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया है ना कि मुसलसल आज तो बहुत ही तंग किया है इन्होंने। जिस टाइम भी अक्सर ऐसा होता है हम काम ज़्यादा कर रहे हो ना, बच्चे भी उस टाइम बहुत सताते हैं। तो बस मनिया का भी सूट आप देख लीजिए, इसी तरह से कुछ सिला हैगा बस। और बाकी जो है ना बस ये लोग बच्चियाँ ऊपर चले गई थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, और ये केएफसी के जूसी जुबिन्स लेकर आए थे, और ये इतने मज़ेदार होते हैं ना, इतने जूसी होते हैं ना, ये बड़े मज़ेदार थे। और अच्छा जी, आज है शबे बारात की रात है, बहुत बड़ी रात हैगी, तो आप सबसे मैं
जो है ना सॉरी करती हूँ अगर मुझसे इंसान है गलती हो जाती है, इंसान खताओं का पुतला होता है, इंसान से ही गलती होती है। अगर मेरी कोई कभी भी कोई बात आपको मेरी वीडियो के अंदर बुरी लग रही हो, बुरी लगी हो या कुछ ज़्यादा मैंने कह दिया हो, तो आई एम सो सॉरी आप सबसे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है। पता नहीं इस साल हम हैं अगले साल ना हो, तो बस इंसान को ना माफ़ी मांगती रहनी चाहिए सबसे। और बस आज की रात जो है ना आप सबने मिलकर दुआ करनी है मेरे लिए, सबके लिए, जितने भी बहन भाई बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, या जो बेरोज़गार हैं, या जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हुए हैं, उन सब के लिए आपको दिल से, पूरे दिल से दुआ करनी है। क्योंकि दुआ का पता नहीं होता है कब किस जगह किसकी दुआ लग जाती है। और बस आज मैंने शब बारात का दिन है, तो मैंने हलवा वगैरह तो नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलवा इतना ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो फिर वेस्ट होता है। तो बस मैंने जो है ना आज गुलाब जामुन बाज़ार से ही मंगवा के बांट दिए थे, क्योंकि बहुत हलवा जमा हो गया था और इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है। मतलब मीठे का शौक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बस हलवा एक चीज़ देख देख के आप दिल भर जाता है। फिर तो बस आज की रात जो है नवाफिल, मतलब जागने की रात है, नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं। मे बी आप सबको, अपनी ब्यूटी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला बस कब किसकी किस वक्त दुआ कबूल कर ली कुछ पता नहीं होता है, बस दुआएं हम लोगों को एक दूसरे के लिए मांगते रहना चाहिए। तो जी ये देखें हलवा इतना सारा जमा हो गया है, बस यही मतलब काफ़ी, दो दिन तो आराम से चल जाएगा, बाकी हाँ गुलाब जामुन मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अब नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह, इबादत करूंगी इंशाल्लाह, कल का रोज़ा होगा हमारा। तो जी मिलते हैं कल जी सहर और अफ्तार के व्लॉग में। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, देखना नहीं भूलिएगा, बाय बाय।